दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज ही 28 जुलाई को लगभग लगभग सबके पास एक मेल आया होगा। आप जाइए, अपना मेल बॉक्स खोलिए, उसमें एमएसएमई की तरफ से आपके लिए एक मेल है। उस मेल का सब्जेक्ट लाइन ही यही है, प्रिंट योर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास ये मेल आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन चुका है। बस अब आप ही डिले कर रहे हो उसको प्रिंट करने से या डाउनलोड करने से। तो अभी जाइए, वो मेल आप चेक कीजिए और आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, ये वीडियो अभी थोड़ा सा और है दोस्तों। आप जब डाउनलोड करने जाओगे तो डेफिनेटली आपको एरर मिलेगी, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आपका जो वेरिफिकेशन कोड आप एकदम एंड में डालोगे, जो वेरिफिकेशन कोड, सिस्टम वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जी हाँ, मैंने खुद ने 50 बार ट्राई किया था तो सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 51वीं बार कुछ और तरीका मैंने अपनाया, तब जाके कहीं सिस्टम ने उस वेरिफिकेशन कोड को एक्सेप्ट किया और वो मेरे को सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की अनुमति दी। उसने मेरे को सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिया। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें, आप अपना समय बर्बाद ना करें। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है जिससे आपका वेरिफिकेशन कोड सिस्टम एक्सेप्ट कर ले और आपको किसी तरीके के आपका समय खराब नहीं हो दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने उस वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको वो ईमेल दिखाऊंगा, उसके बाद हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में भी 2 बार बदलाव आए थे, तो उन दोनों बार के बदलाव में क्या था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में उनका क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने एकदम शुरू में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था बिना बदलाव के, जो रजिस्ट्रेशन आया था उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। तो आपके पास, सबके पास ये मेल आ गया होगा कि आप अब अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट योर उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से ये मेल आ गया होगा। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाना है। आप यहाँ क्लिक हियर से भी जा सकते हो या सीधा साइट पे टाइप करके भी जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम साइट पे। साइट पे आने के बाद हमें यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ हमें उसे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करने के बाद हमें ओटीपी डाल के उसको अगेन वैलिडेट OTP एंड प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ एक बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको कुछ एक फीडिंग करनी रहेगी। तो पहला है एंटरप्राइजेस नेम, यहाँ पे आप आपके बिजनेस का नेम डाल सकते हो दोस्तों। तो अब आपके पास ऑप्शन आ गया है बिजनेस का नेम डालने का। अब दोस्तों, एक चीज़ ये देखने की है आपसे, ये पूछ रहा है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर की ITR भरी है, और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इसने नो कर रखा है, हमें यस या नो का ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो ये मेरे को एक सिस्टम की फॉल्ट लग रही है, वो इसलिए कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था ये बहुत स्टार्टिंग में अप्लाई किया था जब कोई अपडेट नहीं थी। उस समय ITR का कोई ऑप्शन पूछ ही नहीं रहा था, यस और नो कोई भी ऑप्शन नहीं पूछ रहा था उस केस में। अब ये ऑटोमेटिकली नो पे आ रहा है, यस का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने जब उद्यम अप्लाई किया था, आपको अगर उसने ITR के लिए पूछा होगा तो आपने जो ऑप्शन उस टाइम फीड किया होगा उसकी डिटेल भी हम आगे वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू हैव GSTN, अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है और अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद 31 मार्च 2019, प्रीवियस ईयर 18-19 की जो भी आपकी डेप्रिसिएटेड कॉस्ट है प्लांट और मशीनरी की वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। और यहाँ पे आपको पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, अगर इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो फिगर आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद हमें टर्नओवर में टोटल टर्नओवर डालना है और एक्सपोर्ट टर्नओवर में जितना भी आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो डालना है दोस्तों। तो ये डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देखोगे जैसे हम वेरिफिकेशन कोड डालेंगे दोस्तों, तो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद ही अपने को एरर आएगी। वेरिफिकेशन कोड हमने डाला, अब देखिए आपको नीचे एरर दिखेगी। ये यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद ओके करना है, अगर हमारी सारी डिटेल सही है तो। अगर डिटेल सही नहीं है तो हमें कैंसिल करके वापस से डिटेल चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। तो अब देखिए, आप वेरिफिकेशन कोड डाल दिया था लेकिन इनकरेक्ट वेरिफिकेशन कोड आ रहा है। जी हाँ, आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा कि आपके सामने भी ये समस्या आ रही होगी कि इनकरेक्ट वेरिफिकेशन कोड आ रहा है। तो अब हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए दोस्तों बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, अभी जो हम कोशिश कर रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि
गूगल क्रोम में, आपको गूगल क्रोम की बजाय इंटरनल एक्सप्लोरर में आके सारी प्रोसेस वही करनी है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन, ये आपको बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको ओके करना है दोस्तों। ओके करने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे, ये हो सकता है आपको दिखाए सर्वर एरर करके, आपको इसको बंद करना है और वापस उसी प्रोसेस पे जाना है। उस प्रोसेस में आपको सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि आपकी डिटेल ऑलरेडी वेरीफाई कर ली है सिस्टम ने। अब आपको वापस प्रोसेस में आके अपना ओटीपी डालना है। ओटीपी जैसे आप डालोगे, ओटीपी डालते ही देखिए, आप जैसे ओटीपी डाला, ओटीपी डालते ही आपके सामने आपका सर्टिफिकेट हाजिर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, आपके सामने आपका सर्टिफिकेट हाजिर होने वाला है। ये देखिए, आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ गया है। इस सर्टिफिकेट में आप सारी डिटेल वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस, माइक्रो है और मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विसेज में है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन है आपके पास। ऊपर रेड में इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि 31 मार्च 2021 तक आपको जीएसटी नंबर लेना है, अदरवाइज आपका ये सस्पेंड हो जाएगा। नीचे आप देखिए सारी डिटेल है, इसमें सारी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका NIC कोड आ गया, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन, सारी डिटेल आप इसमें देख सकते हो। नीचे एक कोड भी है, बार कोड जिसे हम बोलते हैं, उससे आप किसी भी कोड स्कैनर से स्कैन करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। और अब यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो थी पहली प्रोसेस कि जब आपने शुरू में अप्लाई किया था और उस समय आपसे वो ITR के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा था। अब अगर उस समय आप जब आपने फाइल किया और आपसे ITR के बारे में पूछ रहा था, तो उसके लिए क्या चेंजेस है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों, अगर आपने ITR के लिए डिटेल फिल करी थी, सेम प्रोसेस अभी हमें करनी है। ओटीपी डालना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है। चेंजेस क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चेंजेस इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एंटरप्राइजेस का नेम हमें खुद से डालना है। यहाँ पे हैव यू फिल्ड द प्रीवियस ITR। अब जब हमने ये फॉर्म भरा था उस समय यस का ऑप्शन किया था, तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा है, अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने ITR टाइप में 356 ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। GSTN में भी हमने यस का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वो अब चेंज नहीं हो पाएगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट उस समय हमने डाली थी, हमारे पास ऑप्शन आया था क्योंकि पोर्टल पर कुछ अपडेट हुए थे, तो जिन्होंने 20 तारीख के बाद जिन्होंने अप्लाई किया था वो डेप्रिशिएशन कोस्ट डाल पा रहे थे। तो ये देखिए, फ्रिज भी हो रखी है, ऑटोमेटिकली आ रखी है। इसी प्रकार टर्नओवर भी आ रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे टर्नओवर भी आएगा, आपको टर्नओवर भी आप देख पाओगे, दिखाता हूँ आपको, वो भी फ्रिज हो रखा है टर्नओवर भी। यहाँ पे टर्नओवर देखिए, टर्नओवर भी था आपके सामने, ये टर्नओवर है आपके सामने, यहाँ पे ये भी फ्रिज हो रखा है। अब आपको यहाँ पे वही वेरिफिकेशन कोड डालना है और उसको वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद अपडेट करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हमें करना है वही ओके करना है। ओके जैसे आप करोगे, एक बार के लिए ये सर्वर एरर आ जाएगी, अगेन आपको वापस पूरी वही प्रोसेस करनी है, आपके सामने आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। बाद में आपको पूरी कोशिश करने की, पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, बस केवल आपको ओटीपी से वेरीफाई करते ही आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर उन दोस्तों को जिनको नहीं पता है कि हमें पूरी प्रोसेस करनी कैसे है, उनको आई बटन में ऊपर वीडियो मिल जाएगा, वो आई बटन में जाके पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। दोनों बार की प्रोसेस डाली हुई है, और अगर उनके कुछ एक क्वेश्चंस हैं अभी भी कि NIC कोड कैसे मिलेगा, NIC कोड कहाँ से डालेंगे, या फिर क्या क्या लिमिट्स हैं MSME की, उसका वीडियो भी आपको ऊपर मिल जाएगा, NIC का भी मिल जाएगा, और उद्यम से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी आपको ऊपर जो वीडियो है, जितने भी आई बटन में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं, उद्यम से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको अब शुरू से लेके अभी तक उद्यम में जितने भी अमेंडमेंट आए हैं, छोटे से छोटा हो चाहे से वो कितना ही बड़ा अमेंडमेंट हो, या एकदम से माइनर भी अमेंडमेंट है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप अब आप आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। जिनकी शिकायत थी कि बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहे केवल नंबर, अब उनके सामने उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है, तो वो बैंक में अपना उद्यम सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जिनके पास पहले से उद्योग आधार था, जिनके पास पहले से उद्योग आधार था, क्या उनके सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
अगर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा उसका नोटिफिकेशन, ताकि आपसे वो मिस नहीं होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।